हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू व्लॉग्स विद पूजा एंड अजय। आई होप यू आर डूइंग गुड गाइस। सो आज मैं लेकर आई हूँ आपसे डे टू का दिल्ली का व्लॉग। मैं आई हुई थी दिल्ली, आपको पता है, पगफेरी की रस्म के लिए। तो आज हमने प्लान करा था, भैया, मैंने, भाभी ने और अजय ने, कि हम लोग जाएंगे वृंदावन। तो अजय की थोड़ी सी तबीयत ढीली थी, तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं घर से वृंदावन की तरफ। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, अजय भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, भैया पहले गए हुए, भाभी भी नहीं गई हुई। तो हमने सोचा चलो बच्चों को भी मत्था दिखा देंगे। एंड उस दिन था हर्षू का बर्थडे, तो वी डिसाइडेड चलो वृंदावन चलते हैं और कान्हा जी का आशीर्वाद लेते हैं। सो चलो, हम फाइनली पहुँच चुके हैं वृंदावन। हमने बीच में रुक के नाश्ता कर लिया था, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं वृंदावन की पहुंच। अच्छा, हाँ। अच्छा। 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 लड्डू पेड़े का भोग और वृंदावन गहरी लाल के मंदिर में लगता है खिचड़ी लड्डू माखन का भोग। यहाँ से आपको निधि बल की साक्षी प्राप्ति होती है। चना की दाल पंचमेवा का भोग लगाते हैं, द्वारका गुजरात जाते हैं, धौर मठी का भोग लगाते हैं, गोपी तालाब का चंदन लाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं। बहुत बदल गया, ऐसा है निधि मंदिर में आए कल ही देखो कल भी सेवा करें, भोग करें, नाम करें सबका। फोटो भी ना भैरी लाल की है, वो आप लोग आगे मंदिर का दर्शन करोगे जो वृंदावन भैरी लाल का मंदिर, बाकी भैरी का 1 किलोमीटर आगे। ये महाराष्ट्र का दर्शन है, भगवान ने जो महाराष्ट्र लीला की। क्यूट लग रहा है ना, दर्द होगा बड़ा, अच्छा लग रहा है। सुकन देना अजय, पसीने आ जाएंगे ना। नहीं नहीं नहीं, सही लग रहा है, चला जाएगा। अजय भैया मेरे भी लग रहा है। नहीं फैल जाता, थोड़े पसीने ज्यादा आ रहे हैं। लगाओ भाभी, अजीब नहीं लग रहा हूँ, मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुने महारानी की जय, माता पिता की जय, गुरु महाराज की जय। ये जो आप लोग मंदिर के अंदर में आए, अभी आप लोग ठाकुर जी का जाओगे दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर में भगवान का 3 मर्यादा का पालन करना। पहला मर्यादा, मंदिर में जाकर दर्शन करें 5 मिनट के लिए, मोह माया अहंकार सबको त्याग देना। 5 मिनट के लिए अपने माता पिता के चरणों का ध्यान रखना और अपने गुरुदेव का ध्यान रखना। गाइस, हमें इतनी गर्मी लग रही थी कि वहाँ पे मिला गन्ने का जूस, तो हम गन्ने का जूस पीने रुके। अजय ने पिए थे नारियल पानी क्योंकि अजय की तबीयत ठीक नहीं थी, हमने यहाँ पे पिए गन्ने के जूस। और चलो चलते हैं अब आगे। साइड चाहिए
तो गाइज अब हम वहाँ पे वृंदावन के मंदिर में जाने से पहले हम आए हैं यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि वो मंदिर 4 बजे खुलेगा तो हमने सोचा इस्कॉन टेम्पल के दर्शन कर लें। एंड मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मतलब सीरियसली क्या शांति मिलती है ना यहाँ आकर, मैं आपको बता सकती, सीरियसली पीसफुल जगह है। आई मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती। जय श्री कृष्ण। वृंदावन में दर्शन करने के बाद वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था तो हम वापस आए। वापस आते हमें ये वाले बाबा जी के मंदिर था, इनके दर्शन रहे। इन्होंने बहुत प्यार से हमसे किशन जी को झूला झुलवाया, बहुत अच्छी तरह हमारे से पूछा, टिकट तिलक लगाया, हमें बहुत बहुत आनंद हुआ। आनंद बचाने वाली राधा रानी लच्चा विशाखा मानसरोवर गांगली भांडी बन मेरा जाऊ मेरा कन्हैया मेरा काली में देवर वन चाकरी गोकुल महावन गिरिराज छत्रीपुरा आनोट चित्रकूट अमरनाथ बेटा बिहारी जी राजा वल्लभ दामोदर मदन मोहन गोपीनाथ बद्रीनाथ जगन्नाथ हरद्वार प्रयाग मेरो गाँव मेरो कन्हैया मेरो गोकुल मावन रामेश्वर कामेश्वर सालेगाम गंजावाला ने जोड़ी बनाए रखी प्यारी जी राधा वल्लभ जमुना मैया परिवार को सुख शांति परिवार बोलो बेटा माया गोपाल हमारे बड़े बूढ़े परिवार को सुख शांति दो चरणों में रखो हमको अपने जन विवाद दो अपने चरणों की रज दो हर महिला बुलाते रहो और हमारी मनोकामना पूरी करो हमें मस्त करो चकाचक करो और अनंत कृपा हम दोनों ने खड़ी हो जाएंगे भाव से नाचो अरे चकाचक भगवान की जय भक्त भगवान की जय 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 श्री राधे।
हाथ दोनों हाथ लगा के इसकी नौ छावन करो भगवान जी, दोनों हाथ लगाओ वीडियो कॉल कर दिखा दे वीडियो चलो गाइज अब चलते हैं अंदर और करते हैं प्रेम मंदिर के दर्शन। देखने में बहुत मतलब शाम के टाइम इसके नज़ारे बहुत अच्छे थे, साथ ही साथ यहाँ पे फाउंटेन शो हो रहा था, होने वाला था, तो वो भी देखेंगे, तो मैं वो भी आपके साथ शूट करके शेयर करूँगी। सो कीप ऑन वॉचिंग। राधे राधे को श्याम भाग चले आएंगे, राधे राधे को श्याम भाग चले आएंगे, राधे राधे को श्याम। यहाँ पे एक और मंदिर था शेरवली माता का, बट हम आते हुए लेट हुए तो वहाँ के दर्शन नहीं हुए थे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम माता रानी बुलाएगी तो जरूर दर्शन करेंगे। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री कृष्ण।